मित्रों नमस्कार, नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि तुला राशि वालों के ऊपर शनि देव वक्री होंगे जब, तो यह क्या प्रभाव डालेंगे। वर्तमान में शनि महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं और तुला राशि में इनका जो गोचर है वह अभी तक तो चल रहा था पंचम भाव में, लेकिन ये चतुर्थ भाव में आ गए हैं। यहाँ पर एक ये ढैया बना रहे हैं और दूसरी तरफ शश नाम का राजयोग बनाकर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनि देव की कृपा से व्यक्तित्व में आपके वृद्धि होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ढैया का भी कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव अवश्य आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, थोड़ा आप अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सतर्कता बरतिएगा। उच्च अधिकारियों से अनबन मत करिएगा तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उच्च अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। कुछ आपको शुभ फल भी मिलेंगे। शुभ फल यह मिलेंगे, यदि आप मकान वाहन वगैरह परचेज करना चाहते थे तो उसके लिए समय का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, राजयोग का ये आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, अभी तक शनि महाराज गोचर कर रहे थे आपके जो है सोने के पाए पे, किंतु जब ये वापस मकर राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये तांबे के पाए पे गोचर करने लगेंगे, जिसके प्रभाव से थोड़ा खर्च की अधिकता रहेगी। थोड़ा बहुत हो सकता है क्लेश भी आपको घर में फेस करना पड़े, लेकिन घर में शुभ कार्य आपके अवश्य होंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, ऐसे योग भी शनि महाराज बनाने आ रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि तुला राशि यदि आपकी है तो विद्या के स्वामी भी शनि महाराज बन जाते हैं, तो इसके लिए विद्यार्थियों को निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि कैरियर में निरंतर विद्यार्थियों की ग्रोथ होती रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप महसूस नहीं करोगे। शनि का गोचर विद्यार्थियों के लिए ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन उपाय आपको जरूर करने होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो शनिवार शनिवार शनि मंदिर में जाना न भूलें, चार मुखी दीपक जला करके आएँ ताकि परेशानियों से आप बचे रहें, अन्यथा परेशानी नौकरी करने वालों के लिए निश्चित ही हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आप यह भी ध्यान रखिए कि यदि आप खाना बाहर खाते हैं तो ऊट पटांग खाने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज अपने पंचम स्थान से बारहवें गोचर कर रहे हैं, तो खाना पीना थोड़ा सात्विक खाइए, संभल करके खाइए तो आपके लिए बेहतर है, अन्यथा पेट से संबंधित दिक्कत ये दे देंगे। दूसरी चीज़, केतु की दृष्टि पंचम भाव पे है, तो जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको चाहिए अपने गर्भ का ध्यान दें। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप महसूस करती हैं तो ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना न भूलें। 180 दिन का यह जो गोचर है तुला राशि वालों के लिए सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बहुत ख़राब नहीं कह सकते हैं, उपाय जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।